जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। तो आइए 23 अगस्त दिन शुक्रवार द्वादश राशियों के लिए यह दिन कैसा रहेगा आज का दिन, तो इसको यानि मेष राशि वालों के लिए आज का दिन आपको धनी और प्रसिद्ध बना सकता है। हालांकि यह आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकता है। व्यापारिक और व्यवसायिक संदर्भ में आप मेहनती और प्रभावशाली व्यक्तियों की सहायता से अपनी स्थिति में सुधार करेंगे। चोरी की वजह से आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, अतः आपको सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता है। सावधान और सतर्क रहने से आपको अपने लेखन के माध्यम से और परामर्श देकर कुछ लाभ हो सकते हैं। ये रहा आज के मेष राशि वाले लोगों के लिए। अब आइए अब वृष राशि वाले लोगों का आज का दिन कैसा रहेगा, 23 अगस्त दिन शुक्रवार। तो वृष राशि वालों के लिए आज का दिन भाग दौड़ वाला हो सकता है। आप सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होंगे और आपका उत्साह आपको साहस एवं बल प्रदान करेगा, जिसके फलस्वरूप आप व्यवसायिक स्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ पाएंगे। आप अपने साथियों को फायदा पहुंचाने और उनको प्रभावित करने के अवसरों का पूर्ण लाभ उठाएंगे। आय के नए स्रोत विकसित हो सकते हैं, नए संपर्क विकसित होने की संभावना है और आप सामाजिक और व्यवसायिक समारोहों में भी शामिल हो सकते हैं। यात्रा फलदायी साबित होगी। आप परिवार और प्रियजनों के साथ अच्छे से रह सकते हैं। आइए अब मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। तो मिथुन राशि वालों के लिए नए संपर्क और संचार व्यवसाय को एक नवीन दिशा प्रदान कर सकते हैं। आज समय की मांग है कि आप अपना ध्यान व्यवहारिक मामलों की ओर मोड़ें और उन उपायों को अपनाएं जो वित्तीय मामलों में आपको दीर्घकालिक सुरक्षा प्रदान कर सकती है। आप अपने लक्ष्यों को वास्तविक जिम्मेदारियों के प्रकाश में स्वीकार करते हुए परिभाषित करेंगे। बहुत सारी गतिविधियां संपन्न हो सकती हैं और यात्रा भी लाभप्रद होगी। बच्चों और प्रियजनों के साथ बिताया गया समय रिश्तों को मजबूत करेगा। आप अपनी सोच और अपने प्रेमी से साझा करेंगे, जिससे आपके प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। अब आज के कर्क राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा। तो आज आपके लिए समय कठोर हो सकता है और आप कुछ काम पूरा करने में असमर्थ हो सकते हैं। व्यवसायियों को कुछ श्रम संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। कुछ वित्तीय बाधाएं हो सकती हैं और आपको अपने भुगतानों को पूरा करने में कठिनाई होगी। आपको अपने घर या कार्यालय की मरम्मत और रख रखाव पर खर्च करना पड़ सकता है। इसके कारण आप बचत अथवा निवेश नहीं कर पाएंगे। इमोशनल इशू क्रॉप कर सकते हैं, इसलिए किसी भी तर्क से दूर रहें, शांति और केंद्रित रहें। मित्र और शुभचिंतक अपना सहयोग देंगे। ये रहा आज का कर्क राशि वालों का। अब आज का दिन सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। तो सिंह राशि वालों के लिए आप अपने आत्मविश्वास को फिर से हासिल करेंगे और पूरे समर्पण के साथ काम में जुटेंगे, जो सकारात्मक विकास को जन्म देगा। आप एक से अधिक प्रोजेक्ट में भी शामिल हो सकते हैं और समय की कमी भी महसूस कर सकते हैं। वित्तीय स्थिति में सुधार होना तय है और आपको आय का एक अतिरिक्त स्रोत भी मिल सकता है। यदि आप परीक्षा या प्रतियोगिता के माध्यम से अपनी स्थिति को सुदृढ़ करना चाहते हैं तो अपना ध्यान और समर्पण न खोएं। आपको अपने जीवन साथी का पूरा साथ मिलेगा, प्रेम संबंध मजबूत होंगे। ये रहा आज के सिंह राशि वालों के लिए।
और आज कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? यह कन्या राशि वालों के लिए यह मिश्रित परिणामों की अवधि होगी। आप अपने कार्य स्थल पर नई कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। यह समय नए रणनीतिक और दृष्टिकोण अपनाने और केंद्रित रहने की है। सहयोगी और सहकर्मियों की आपकी बात आसानी से समझ नहीं पाएंगे। आपके सहयोगी और आपके सहकर्मी आपकी बातों को आसानी से समझ नहीं पाएंगे। व्यक्तिगत संबंध मजबूत होंगे और आप जब चाहें तब अपने साथी का पूरा सहयोग प्राप्त करेंगे। आप बौद्धिक और शैक्षणिक गतिविधियों के लिए तैयार रहेंगे। अचानक खर्च हो सकता है। ये रहा आज के। अब तुला राशि वालों का यह दिन कैसा रहेगा? तो तुला राशि वालों का किस्मत आपका भरपूर सहयोग देगी। आपका साहस और बुद्धि चरम पर होंगे। सामाजिक लोकप्रियता में वृद्धि होगी। दफ्तर में वरिष्ठ आपके काम को सराहेंगे। शत्रु आपके सामने खड़े नहीं हो पाएंगे। घर में कोई धार्मिक या आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा सकता है। अब परिवार के साथ अच्छा वक्त बिताएंगे और उनके लिए खर्चा भी कर सकते हैं। वाहन या घर खरीदने के लिए सबसे उत्तम समय है। प्रेम संबंधों में संदेह और विवाद उत्पन्न हो सकता है। संबंधों में संतुलन बनाए रखें और बहस से बचें। ये रहा आज के तुला राशि वालों के लिए। अब वृश्चिक वालों राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। आज आपके किए हुए अच्छे कार्यों का श्रेय आपको नहीं मिलेगा, किंतु बदनामी मिल सकती है। बुरे कार्यों का परिणाम इस समय कई गुना अधिक विपरीत होगा, अतः अपने कार्यों को लेकर सतर्कता बरतें। वाद विवाद या स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में धन खर्च होने की संभावना बन रही है। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए भी समय अनुकूल नहीं है। नौकरी में स्थान परिवर्तन के योग बन रहा है। कोई भी लंबी बीमारी यदि चल रही है तो सावधानी बरतें। कुल मिलाकर यह समय सावधानी पूर्वक चलते हुए अपने नियमित कार्यों को निरंतर बनाए रखने का है। ये रहा आज के वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए। अब धनु राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? तो यह धनु राशि वाले शिक्षार्थियों के लिए बेहतर समय है। यदि किसी बड़ी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं तो सफलता की संभावना बहुत अधिक है। जीवन साथी के साथ सुखद यात्रा हो का योग भी बन रहा है। साथ ही यही दी बहुत लंबे समय से संतान सुख से वंचित हैं, तो इससे बेहतर समय अब और जल्दी नहीं आने वाला, जिससे आप संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर सकते हैं। धन के मामले में सामान्य है। आप नए कार्यों का प्रारंभ कर सकते हैं। यात्रा में थोड़ी सावधानी बरतें। धन तथा कीमती सामानों की सुरक्षित रखें। न्यायालय संबंधी मामले अभी थोड़ा लंबा चल सकते हैं। ये रहा आज धनु राशि वालों के लिए। अब मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आप अपना काम करते हुए आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। मौद्रिक लाभ का संकेत है और आप आय का एक अतिरिक्त स्रोत भी स्थापित कर सकते हैं। प्रॉपर्टी या वाहन में भी निवेश संभव है। प्रतिद्वंद्वी गतिविधि बढ़ेगी, किंतु वे आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। नौकरी पेशा जातकों को कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारी दी जा सकती है। अनुपादक गतिविधियों पर समय व्यतीत करने से बचें, अन्यथा कुछ अन्य काम आधे अधूरे रह जाएंगे। पारिवारिक संबंधों में सुधार होगा और आप परिवार और दोस्तों के साथ छुट्टियां मनाने जा सकते हैं। ये रहा आज के मकर राशि वाले जातकों का। अब कुंभ राशि वालों का आज का दिन यानी 23 अगस्त दिन शुक्रवार कैसा रहेगा? तो कुंभ राशि वालों के लिए यह कैरियर और पेशे के दृष्टिकोण से एक बहुत ही उत्कृष्ट दिन है। नौकरी पेशा जातकों को पदोन्नति मिल सकती है। आप नई योजनाओं और उपक्रमों को लागू कर सकते हैं। आपको अपने
अधीनस्थों और सहयोगियों का समर्थन मिलेगा, आपकी वित्तीय स्थिति में सुधार होगा और एक पुराना भुगतान भी प्राप्त किया जा सकता है। प्रॉपर्टी डीलिंग के लिए अच्छा समय है। आप सामाजिक गतिविधियों में भाग लेंगे और आपका दायरा भी बढ़ेगा। परिवार में किसी बुजुर्ग का बिगड़ता स्वास्थ्य चिंता का कारण हो सकता है। ये रहा आज के कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। और आइए अब मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। तो आपकी नौकरी के हालत में सुधार संभव है, किंतु स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां रह सकती हैं। कार्यस्थल पर अधीनस्थों से विरोध हो सकता है। व्यापारिक एवं व्यावसायिक संदर्भ में विरोधी प्रतिष्ठा बिगाड़ने की चेष्टा कर सकते हैं, अतः सावधान रहें। आपको अपने भाई बहनों से सहायता मिलेगी, पुराने मित्रों से मुलाकात हो सकती है, छोटी यात्राओं से अच्छा फल मिलेगा। ये रहा आज के मीन राशि वालों का फल 23 यानी 23 अगस्त 2000। तो द्वादश राशियों का राशिफल दिन शुक्रवार 23 अगस्त का इस तरह से ही रहेगा। और इसके साथ साथ अब अगले कार्यक्रम में कोई समस्या आती है तो उसके लिए हर चीज़ के लिए अलग अलग तरीके बताए गए हैं, जिससे वो बताया जाएगा। तब तक के लिए जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण।